हेलो दोस्तों, आज मैं बनाने जा रही हूँ आंवले का जूस, जो कि बहुत ही फायदेमंद होता है। ये सिर्फ सर्दियों के मौसम में मिलता है। इसके लिए मैं फ्रेश आंवला ले ली हूँ साफ करके। इसे मैं छोटा छोटा पीस में कट कर लूंगी। जो बीज का गुठली है इसे निकाल, आपको पता है आंवला विटामिन सी से तो भरपूर रहता है। इसका जूस बहुत ही फायदेमंद होता है आलू के झड़ना और आपको कोई भी कमी हो हड्डी वड्डियों मजबूत करने के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। कढ़ी पत्ता ली हूँ और 5 से 6 में काला मरीच ले ली हूँ और स्वाद अनुसार नमक नींबू भी मैं डाल दूंगी। आप अपने स्वाद के अनुसार इसमें ऐड कीजिए। एक मिक्सी जार में रख के ही पत्ता डाल दूंगी। एक ही आंवला का जूस बना रही हूँ तो उसमें मैं 4 काली मिर्च डाल दूंगी और फिर नमक एक चिटकी डाल दूंगी। डाल के फिर उसमें पानी डाल दूंगी, डाल के उसे अच्छे से पीस लेंगी। इसे पीसना तो बहुत ही आसान होता है। देखिए अच्छे से मैं पीस ली हूँ। छन्नी में रख के इसे मैं चमचा के सहारे से दबाते हुए अच्छे से मैं इसको दबा के जो उसमें कभी भी जूस है उसे मैं निकाल लूँ। ये सर्दियों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। मैं थोड़ा सा नींबू डाल दूंगी। मैं इसमें शहद नहीं ऐड की हूँ। आपको इसे और ज्यादा टेस्टी बनाना है तो आप इसमें शहद भी ऐड कर सकते हैं। शहद थोड़ा सा मिक्स कर देंगे, टेस्ट इसका और ज्यादा बढ़ जाता है। आप इसे जरूर ट्राई कीजिए ठंडी के मौसम में। चाहे तो आप खाली पेट भी ले सकते हैं, नाश्ते के बाद भी ले सकते हैं, या कभी भी आप इसे ले सकते हैं। मेरे चैनल पे पहली बार है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कैसा बना। बाय बाय।